अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम शेख, कुर्बानी करते ना घर में, तो वो कुर्बानी अगर बकरे करते हैं तो वो हमारे ही घर में जिस फर्द ने कुर्बानी कर रहा है वो अपने ही घर में कुर्बानी करना या दूसरे के घर में भी कर सकते हैं? मैंने सुना कि जिस घर में कुर्बानी करते हैं उसका खून, उस जानवर का खून बहाने से उस घर में बरकत ज्यादा होती है, मैंने ऐसा सुना। नहीं, ऐसी कोई हदीस नहीं है, ऐसी कोई दलील नहीं है कि उसका खून उस घर में बहाने से बरकत होती है, बिल्कुल नहीं। अगर इस अकीदा को लेकर के कोई अपने घर में कुर्बानी कर रहा है तो उसका ये अकीदा बातिल है, बल्कि वो एक बिदात कर रहा है। आपको कुर्बानी करना है, आप अपने घर में कर सकते हैं, घर से बाहर किसी और के घर में कर सकते हैं, किसी मैदान में कर सकते हैं। देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आपने ईद उल अजहा की नमाज पढ़ी और आप ईदगाह से निकले, ईदगाह के बाहर आपने कुर्बानी किया। जाहिर है ईदगाह का जो बाहर वाला हिस्सा था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर तो नहीं था वो, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर से बाहर कुर्बानी किया। इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में बैठे हुए हैं और आपने हज भेजा मक्का, अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिस साल हज के अमीर थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज करने से एक साल पहले, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हज अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ मक्का भेजा। तो जरूरी नहीं है कि आप अपने घर में कुर्बानी करें, इसमें आपको इख्तियार है, आप अपने घर में करें या किसी और के घर में करें, मैदान में करें, या जो है बहुत सारे लोग जो मजबा होते हैं ज़बा करने की जो जगह है शहरों में, ख़ास तौर से क्योंकि घर छोटे छोटे होते हैं उनको दिक्कत होती है घर में करने में, तो ज़बा करने के लिए खसूसी जगहें बनी होती है, वहाँ पर जाके करते हैं, तो आप कहीं भी कर सकते हैं। और अगर कोई अपने घर में ख़ास तौर से इस अकीदे के साथ कर रहा है कि खून बहने से बरकत आएगी, तब तो ये अकीदा बातिल है।